जसमीन, मतलब ये जो बात यहाँ पर उमेश जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सब इस पैनल में जो लोग मौजूद हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और यही सच्चाई है। गए थे ना आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी याचिका लेकर, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी निपटारा यही कहते हुए किया कि साहब आपस में कोऑर्डिनेट करें, सारी जो कंसर्न पार्टीज हैं आप ही लोगों को हल निकालना है। आप लोग हल निकालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जसमीन, बहुत गलत मैसेज जा रहा है दिल्ली के लोगों में कि दिल्ली की जो जल मंत्री हैं जिन्हें इस वक्त कोई हल निकालते हुए नजर आना चाहिए था, वो क्या कर रही हैं? वो राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं कि वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ यहाँ पर जो टर्म्स निकल कर आ रही हैं कि आपने ट्रीटमेंट प्लान्स की रीसिल्टिंग करवाई, वहां पर आपने क्या अभी तक फोकस किया इसके बारे में आप दे दीजिए जानकारी। आप जानते हैं इतना संकट का समय है, बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही है, कम से कम पानी की राशनिंग आप कर दीजिए जिसका जिक्र अभी उमेश जी कर रहे थे। ऐसा कोई कदम आप लोगों की तरफ से अभी तक इस संकट के समय में भी उठाया नहीं गया। आप समझ रहे हैं नाकामी आपकी नजर आ रही है? रोमाना जी, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव। मुझे नहीं लगता आपको जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने इस दरमियान कितने अहम कदम उठाए हैं। आज अगर दिल्ली को 100 MDD पानी मोदी जी की हरियाणा सरकार ने अगर रोका हुआ है, तो जो रिमेनिंग 900 MGD पानी हम दिल्ली वालों को दे रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चल रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिसिल्टिंग क्यों नहीं हुई है? क्या आपके रिपोर्टर जाके देखें? भाजपा यहाँ पे बैठ के झूठ बोलती है और आपको लगता है वो सच हो जाता है? पानी की 2000 लीकेज पिछले 6 महीनों में लगातार, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 2000 लीकेज हमने पाए हैं और वो रोके गए। कुल पिछले 8 सालों में 3500 पाइपलाइन रिप्लेस हुई है, जो पुरानी लीकिंग पाइपलाइन है। नई 7500 पाइपलाइंस अनऑथराइज कॉलोनी और जुगी क्लस्टर्स में हमने पानी पहुंचाने का काम किया। ये सारे आधिकारिक आंकड़े हैं, काम हमने सारे किए हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि दिल्ली की आबादी 1 करोड़ जो थी 1994 में और आज अगर 3 करोड़ हो गई है, तो 3 गुना जब आबादी बढ़ती है और पानी आप 1% भी ज्यादा नहीं पहुंचाते हो, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती? दिल्ली देश की राजधानी है, 3 गुना आबादी बढ़ जाती है, आप कहते हो कि नहीं आप अपने हवाले पे है। देखिए पानी ऐसी चीज है जो राशन होती है, कहीं पे अगर रिजाइन बढ़ता है तो आप उसको ज्यादा दीजिए ना, कह दीजिए आप बदतमीजी मत कीजिए शाजिया जी, आपकी बदतमीजी में सब बैठे हैं, ये बात गलत है। शाजिया, हम लोग टूटू को निकालने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी बारी पर आप अपनी बात कह लीजिएगा, आप दुर्जल अपनी बारी पर अपनी बात कह लीजिएगा, पर अभी उन्हें तो बोलने दीजिए ना। जसमीन को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर, उनका वक्त है, उन्हें बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। जी जसमीन रखिए अपनी बात। रोमाना जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि दिल्ली सरकार अपने यहाँ सारे कदम ले रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके रिपोर्टर के साथ चलिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 110% कैपेसिटी में चल रहे हैं, लेकिन अगर 1000 MGD का पानी 888 पे आ जाएगा, 110-112 MGD अगर कम हो जाएगा, तो पानी कहां से आएगा दिल्ली वालों के लिए? इसके लिए कौन जवाबदेही है? और ये मैं फ्लो मीटर का आंकड़ा, मैं वापस ये कह रहा हूँ, ये गौर से सुनिए, ये फ्लो मीटर का आंकड़ा है। हरियाणा जब बोलती है कि नहीं हमने पानी छोड़ दिया, वो बिल्कुल झूठ बोलती है, क्योंकि उनके पास फ्लो मीटर लगा ही नहीं है। तो अभी 10-15 दिन पहले मुझे जॉइंट टीम आप लोगों की गई थी, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के भी सदस्य थे, वो वहां पर क्यों हरी झंडी देकर आई वहां पर कि हाँ सब कुछ सही है हरियाणा में, जिसका जिक्र अभी उमेश जी ने किया, हाँ उसका बता दीजिए क्या मामला। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपने अच्छी बात कही। इस दौरान एक बार नहीं, दो तीन बार बातें हुई है हरियाणा सरकार के साथ। लास्ट डेलीगेशन दिल्ली सरकार के ऑफिशियल्स का 19 जून, आज 21 जून है, दो दिन पहले 19 जून को दिल्ली सरकार का डेलीगेशन वहां पे गया, हरियाणा सरकार से बोला कि पानी छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि जी नहीं हम तो जितना पानी है उतना ही छोड़ते रहेंगे। कोई हरी झंडी नहीं मिली, वो दुखी होके वापस आ गए कि इसमें समाधान नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट भी हम गए, यहाँ पे केंद्र सरकार को भी खत लिखा, सबके सामने गुहार लगाने के बाद जब पता चल रहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को पानी से वंचित रखेगी, तो हमारे पास, और देखिए इस पे राजनीति शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मोदी ये सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने एक तरीका दिखाया है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष का जवाब अगर सामने वाला नहीं दे रहा है, तो आपको अपने आप पे कष्ट लेके बहुत तो बड़ा आप, कदम आप लिया लोगों है। को क्या लग रहा है? मुझे प्लीज इसका भी जरूर क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। मतलब जल मंत्री जो हैं वो जो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं, सत्याग्रह कर रही हैं, इससे आप लोग क्या हासिल करेंगे? मतलब आप क्या चाह रहे हैं, कहाँ दबाव बनाएंगे इससे आप? हम चाह रहे हैं देश का, दिल्ली देश के लोगों की है, देश का हर एक जन इससे वाकिफ हो कि दिल्ली आज पानी के लिए प्यासी है, क्योंकि भाजपा हरियाणा सरकार ने 100 MGD पानी, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, 100 MGD पानी रोक दिया है, उसे 28 लाख लोगों के लिए एक बूंद पानी नहीं बचा है, और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी और भाजपा जिम्मेदार है।
सातों सीटें मोदी जी को जिताई, लेकिन आपने क्या किया? आज मैं सागर से पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया? ठीक है, ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ, आपने क्या किया है? सवाल है ना आपका शाजिया अलमी से? ठीक है, आइए शाजिया जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक भाई आपके पास आ रहे हैं, शाजिया जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए देखिए मैं क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, देखिए नया चकल्लस क्या इन्होंने शुरू किया है, फ्लो मीटर, आपने सुना? ये एक ऐसी बात ले आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। हाँ। फ्लो मीटर का क्या मतलब है? जब हरियाणा सरकार ने बाकायदा आंकड़े दे दिए हैं, जसविंद जी आपके सर मुंह पर जो हवाएं उड़ रही हैं, आपका झूठ साफ झलक कर आ रहा है। तीसरी बात, भाई साहब नहीं सुनी, भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, जो हरियाणा से पानी आ रहा है, पर्याप्त पानी आ रहा है, वो पानी रुक क्यों नहीं रहा है? टैंकर माफिया के पास पानी कहाँ से आ जाता है जब जल निगम के पास नहीं आता? आप ये बताइए वो टैंकर माफिया को कौन की मदद कौन कर रहा है? और चौथा और सबसे ज़रूरी सवाल, इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना? जल मंत्रालय तो आपके पास है, आप या तो कह देते कि जल मंत्रालय से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से हरियाणा पर निर्भर हैं। जब आप पूरी तरह से औरों पर निर्भर हैं और आप कुछ कर ही नहीं पाते तो आप हटा दीजिए, जैसे कि आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, हटा दीजिए, क्योंकि सब तो आप पराली जलती है हरियाणा में, पंजाब में तो जलती नहीं जब आप सरकार में आ जाते हैं। वैसे अभी हरियाणा कह भी रही है लेकिन फ्लो मीटर एक जो नया चकल्लस आपने छेड़ा है वो नहीं है, मतलब कितना आप झूठ बोलेंगे भाई साहब। और ये जो हड़ताल वगैरह ये कर रही हैं आतिशी जी, बताइए जब एक्शन प्लान बनता है जो एडवांस से बनाया जाता है, जब सचिवों की सारी मीटिंग हुई थी उसमें और मिनिस्टर्स को बुलाया गया था, तो सारे मिनिस्टर्स क्यों राजनीति कर रहे थे? तब क्यों वो तिहार जेल के चक्कर लगा रही थी बजाय ये कि मीटिंग अटेंड करती? और तीन बार उनको नोटिसेस दिए गए, बल्कि छह बार नोटिसेस दिए गए लेकिन आई नहीं। ये बात अप्रैल की है जब उनको पहुंचना था और बताना था, तब तो क्या नहीं। अब हरियाणा सरकार अपने मुहैदे के हिसाब से ज़्यादा पानी दे रही है, क्या आपने कभी भी एक्स्ट्रा पानी के लिए खत लिखा या कहा कि ज़्यादा ज़रूरत होगी या उसके बाद भी किया? नहीं किया आपने। आपने इससे बावजूद आपने हिमाचल को भी कहा, लेकिन फिर आपने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी आपको दो टूक जवाब दे दिया। अब जब कुछ समझ में नहीं आया तो प्रधानमंत्री जी आ गए, मतलब कहीं तो आप रुकेंगे भाई साहब। आपने कोविड के वक्त में यही किया था, आपने देखिए जब प्रदूषण की जो बुरी हालत थी, लोग खांस रहे थे, तब आपने क्या कहा था? पहले कहा था कैप्टन अमरिंदर जी थे वहां पे, ठीक है, लेकिन अब आ गए हैं, अब खुद भगवंत मान हो गए, तो पंजाब में पराली नहीं जल रही, ठीक है। कभी ना कभी आपको रुकना पड़ेगा ना, कितना झूठ बोलोगे? फ्लो मीटर का ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप जानते हैं, और आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। हवाइयां उड़ी हुई हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आलोक जी के पास चलता हूं, मैं आलोक जी के पास, और दिल्ली हाई कोर्ट में आलोक जी अभी जो बात शाजिया अलमी कह रही थी ना कि साहब दिल्ली संभल नहीं रही, तो आखिरी दो चीजें जल्दी कहिए शाजिया, फिर मुझे आलोक जी के पास भी जाना है प्लीज। आखिरी देखिए इन्होंने अभी भी कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि सीएजी द्वारा ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि अब दस साल से ऑडिट नहीं कराया है इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई है और उनसे कहा है कि आपने एक्शन क्या लिया है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, केंद्र सरकार को नहीं देना है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।